लर्न एंड स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल इजी तरीके से आज हम इंग्लिश के कुछ छोटे छोटे सेंटेंस हैं उनको समझेंगे और उनके वर्ड मीनिंग को याद करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि कैसे इन जो सेंटेंसेस हैं उनका प्रयोग होता है और कैसे इन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारा, दैट वोंट हैपन, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति है उसको आपको बोलना है कि ऐसा नहीं होगा तो आप बोलेंगे दैट वोंट हैपन, ऐसा नहीं होगा। सेकंड है हमारा, समटाइम्स ही कैन बी बिहेव लाइक ए स्ट्रेंज गाय। जब भी आप कभी किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बता रहे हैं तब वहां पर आप बोल सकते हैं कि कभी कभी वह एक अजनबी की तरह व्यवहार कर सकता है। समटाइम्स ही कैन बी बिहेव लाइक ए स्ट्रेंज गाय। थर्ड है हमारा, आई विल डू माई बेस्ट नॉट टू डिस्टर्ब यूर स्टडिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पढ़ाई में खलल न पड़े। अगर कोई व्यक्ति है वह कार्य कर रहा है जिसकी वजह से यह लगता है कि किसी व्यक्ति को उसकी पढ़ाई के अंदर डिस्टर्ब होगा या फिर परेशानी होगी, तब वह व्यक्ति बोलता है आई विल डू माई बेस्ट नॉट टू डिस्टर्ब योर स्टडिंग। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पढ़ाई में खलल न पड़े। फोर्थ है हमारा, आई मिस यू, मुझे आपकी याद आती है। अगर आप कहीं पर बाहर रहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से जब बात करते हैं फोन के द्वारा या फिर वीडियो कॉल के द्वारा, तब आप उन्हें बोलते हैं आई मिस यू, मुझे आपकी याद आती है। या फिर आपका ब्रदर है, आपकी सिस्टर है या फिर आपकी वाइफ है, किसी भी व्यक्ति को आप बोलते हैं आई मिस यू, मुझे आपकी याद आती है। फिफ्थ है हमारा, आई विल कॉल देम टुमारो व्हेन आई कम बैक, कल मैं जब वापस आऊंगा तो उन्हें फोन करूंगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और आप उसे बोलते हैं कि आप उसे कॉल कर लीजिए, तब वह व्यक्ति है रिस्पॉन्स दे सकता है आई विल कॉल देम टुमारो व्हेन आई कम बैक, कल मैं जब वापस आऊंगा तो उन्हें फोन करूंगा। सिक्स्थ है हमारा, आई ऑलवेज लाइक मिस्टीरियस कैरेक्टर्स मोर, मुझे हमेशा रहस्यमय किरदार ज्यादा पसंद आते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आदत के बारे में बता रहा है या फिर आप उसको जो चीज पसंद है उसके बारे में बता रहा है। आई ऑलवेज लाइक मिस्टीरियस कैरेक्टर्स मोर, मुझे हमेशा रहस्यमय किरदार ज्यादा पसंद आते हैं। सेवंथ है हमारा, यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति देर तक आपके साथ बात कर रहा है तब वहां पर अगर आपको लगता है कि यह व्यक्ति तो थका हुआ लग रहा है, तब वहां पर आप इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। एट्थ है हमारा, I am going to in a marriage, मैं शादी में जा रहा हूँ। अगर आप शादी में जा रहे हैं तब आप अपने पेरेंट्स को बताकर जाते हैं I am going to in a marriage, मैं शादी में जा रहा हूँ। नाइन्थ है हमारा, I told them to send me another ticket, मैंने उनसे कहा कि दूसरा टिकट भेज दें। जैसे ही मान लीजिए आपका टिकट गुम हो गया है या फिर मिसप्लेस हो गया है, तब वहाँ पर आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं I told them टू सेंड मी अनदर टिकट, मैंने उनसे कहा कि दूसरा टिकट भेज दें। टेंथ और लास्ट है हमारा, आई कांट लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, मैं उस तरह का जीवन नहीं जी सकता। जब अगर आप किसी व्यक्ति के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति के लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तब वहां पर आप बोलते हैं उस व्यक्ति को या फिर बताते हैं आई कांट लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, मैं उस तरह का जीवन नहीं जी सकता। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। थैंक यू।